Assalamualaikum, welcome to Khan's Two Cents. उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूज़पेपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने से आप इस जर्नी में कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए और न्यूज़पेपर से जो इन्फॉर्मेशन और डेटा हमें मौसूल होता है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करें। तो जी, न्यूज़पेपर पढ़ने से ना सिर्फ आपको करंट अफेयर पे ग्रिप हासिल होता है बल्कि इसके साथ साथ आपके बाकी सब्जेक्ट जैसे पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, आईआर और बेतहाशा जो आपके दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल होती है। और न्यूज़पेपर पढ़ने से ना सिर्फ आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन मिलती है बल्कि इसके साथ साथ आपका राइटिंग एक्सप्रेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो जाता है। आपके इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स के स्टाइल्स मालूम हो जाते हैं, जिस तरह ये जो आपके ऑथर्स आर्टिकल्स लिखते हैं उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो idioms हैं, वोकैबलरी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो इन शॉर्ट, न्यूज़पेपर का बहुत अहम किरदार है आपकी ओवरऑल पूरी CSS और PMS की तैयारी में। आप बात करते हैं कि ये मैं धड़ाधड़ डायरी पे क्या लिख के जा रही हूँ। तो जी, इस साल मैं नया रजिस्टर बना रही हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। तो उसके लिए मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हूँ कि मैंने अपने रजिस्टर की पार्टीशन कैसे करनी है। जी, तो आपने जब भी न्यूज़पेपर की रीडिंग स्टार्ट कर लें तो साथ ही आपने एक रजिस्टर लेना है और उसमें डिफरेंट पार्टीशन कर लेनी है। उसमें कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स और कुछ नेशनल लेवल के टॉपिक्स आपने मेंशन करने हैं। ये भी जो मैं आपके रजिस्टर दिखा रही हूँ, ये मेरा 2018 के अटेम्प्ट का रजिस्टर है, उसमें से भी मैं कुछ टॉपिक्स उठा रही हूँ। और जितने टॉपिक्स मैं ब्रेनस्टॉर्म कर सकी जो इंपॉर्टेंट होंगे, अकॉर्डिंग टू देम मैं अपने रजिस्टर की पार्टीशन कर लूँगी, जो मेरा न्यू रजिस्टर। और इसके अलावा आपने ये करना है कि आपके ऑलमोस्ट हर ऑफिस सब्जेक्ट का अलग से रजिस्टर भी होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा आपका पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपने उसको उस रजिस्टर में नो डाउन करना है। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनोलॉजी का है तो क्रिमिनोलॉजी में आपने नो डाउन करना है, जेंडर स्टडीज़ का उधर नो डाउन करना है। जो ये वाला रजिस्टर है इसमें जनरल टॉपिक्स आप नो डाउन करेंगे, जैसे COVID-19, इकोनॉमी, गवर्नेंस, यूथ बल्ज, इस तरह के टॉपिक्स जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या जनरल टॉपिक्स हैं उनके लिए आपने इस रजिस्टर को यूटिलाइज़ करना है। तो अभी मैं रजिस्टर में पार्टीशन कर चुकी हूँ। मैं बस वहाँ पे अब टाइटल्स को मेंशन कर रही हूँ, साथ में टैग लाइंस लगा रही हूँ ताकि वहाँ पे डिवीजन हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें से डेली का डेली आपने इन्फॉर्मेशन को इस रजिस्टर्स में नोट डाउन करते जाना है। अब मैं आपके साथ अपना मंडे का न्यूज़पेपर शेयर करती हूँ कि उसको मैं कैसे पढ़ती हूँ। तो जी, ये मंडे का न्यूज़पेपर है। सबसे पहले मैं इस पेज को निकाल के यहाँ पे अपना हॉरोस्कोप चेक करती हूँ। उसके बाद इस पेजेस में और कुछ काम की चीज़ नहीं है, आप मेन न्यूज़पेपर पे आ जाएं। आपने इन पे सरसरी निगाह डालनी है। अगर कोई ऐसी कैची हेडलाइन है जिससे आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे अफगान पीस प्रोसेस पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके कमेंट्स थे, तो मैंने कहा इनको पढ़ लूँ, बट मुझे वहाँ पे कोई काम की चीज़ नहीं मिली तो मैं उसमें से कुछ भी नोट डाउन नहीं करूँगी। मेन आ जाते हैं इन पेजेस पर। इसमें से जल्दी से आप हेडिंग्स देख लें और देख लें कौन सा आर्टिकल और एडिटोरियल आपको पढ़ना है, उन पर टिक लगा लें और उसके बाद आपने इनको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब जैसे ये वाला है, इसमें मुझे एक वोकैबुलरी का वर्ड मिल गया है, मुझे ना इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है ना मीनिंग आता है। इसको मैं ऑफ द कैमरा चेक करूँगी और नोट डाउन कर लूँगी। यहाँ पर PI के अकॉर्डिंग मुझे एक दो बातें मिली, उनको मैं अंडरलाइन कर लूँगी साथ साथ। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट एडिटोरियल है इसको मैं पढ़ रही हूँ। और ज़रूरी नहीं कि जो आप हर चीज़ पढ़ें उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको पढ़ लिया और ये जनरल सा लगा, इसमें से मैंने कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया ना मैं इसमें से कुछ नोट डाउन करूँगी। इसी तरह आपने ये करना है कि जो काम की बात हो उसको अंडरलाइन कर लिया, अगर वो कम इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप रजिस्टर पे पेन से लिख लेंगे। और अगर उस आर्टिकल या एडिटोरियल में ज़्यादा मटेरियल है, ज़्यादा हेडिंग्स है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और उसको नोट डाउन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपने उसको कट करके वहाँ पर स्टेपल कर लेना है। ये आपको मैं वीडियो में दिखाऊँगी कि क्या कैसे करेंगे आप। अब ये जैसे हमारे पास ऑथर हैं इसकी, मलिहा लोधी, तो उनका आर्टिकल तो वैसे भी लाजमी पढ़ना चाहिए। उसको मैंने पढ़ लिया, उसमें से मुझे दो तीन बातें काम की लगी, उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है। और ये एक और आर्टिकल था, चेन टू द रिवर्स, इट वाज रिगार्डिंग स्लेवरी, तो मुझे ये अच्छा लगा, गवर्नेंस में इसको हम कोट कर सकते हैं। इसी तरह मैं आगे आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, जो जो काम की इन्फॉर्मेशन है उनको मैं हाईलाइट कर लूँगी।
अब इसके बाद जब हम इन पेजेस पे आएंगे, इन पे भी सरसरी निगाह डाल लेनी है, कभी कभार यहाँ पे भी काम की बात मिल जाती है। और ये दो जो लास्ट पेजेस हैं इंटरनेशनल टाइटल के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे आज मुझे मिली है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज के जो कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही क्लाइमेट चेंज के लिए, जो हमने फंडिंग करनी थी अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, तो उनको मैंने हाईलाइट कर चुकी हूँ और इनको मैं अब थोड़ी देर बाद रजिस्टर में जॉट डाउन करूँगी आपके साथ। इस पेज पे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं और लास्ट में भी नहीं है। एक और चीज़ जो मंडे का न्यूज़पेपर है उसमें आपके पास एक ये येलो कलर का पेज भी मौसूल होता है, एंड दैट इज़ रियली यूज़फुल। आपने अपना इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ से आपने कवर करने हैं। अब इसको मैं सरसरी देख रही हूँ, जो जो मुझे आर्टिकल्स काम के लग रहे हैं उसको मैं हाईलाइट कर लूँगी, और मुझे वीक में, अब ये तो वीक में एक दिन ये वाला पेपर आता है, वीक में जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको इन डिटेल पढ़ के वहाँ से अपने इकोनॉमी वाले सेक्शन में इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लूँगी। अब देखिए, मुझे जो PIA वाली इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको मैं अपने गवर्नेंस के टाइटल में उसके अंदर मैं उसमें से इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ कि कुछ सजेशंस थी मेरे ख्याल से कि PIA को क्या करना चाहिए, तो उसको मैं जल्दी से यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। जो भी 2-3 लाइंस की इन्फॉर्मेशन होगी या कोई रिपोर्ट होगी या फॉर एग्जांपल कोई डेटा है उसको आपने बस यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इंटरनेट कि COVID-19 में किस तरह इंटरनेट की ज़रूरत है फॉर एजुकेशन, और ये इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। अब तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पूरे एडिटोरियल को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, आपने भी इस तरह करना है। इसके बाद जो मलिहा लोधी का आर्टिकल था उसमें कुछ बातें थी यूनाइटेड स्टेट्स में जो आजकल चल रहा है अगेंस्ट डेमोक्रेसी की जो बात है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आजकल न्यूज़पेपर में आ रही है, तो उसमें से मैं जो मुझे बेहतरीन कैची लाइंस लगती हैं, कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, कुछ कोटेशंस है और कुछ कैची लाइंस होती हैं, आपने उन लाइंस को भी नोट डाउन करना है। जैसे अब यहाँ पे कोई लाइन थी कि ट्रंपिज्म का कोई इस तरह मज़े की लाइन थी, मैंने अब मुझे याद नहीं है, तो उसको भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। और इस वक्त के साथ जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आपने कोशिश करनी है कि ये रिटन एक्सप्रेशन राइटिंग एक्सप्रेशन आपके राइटिंग में भी आए। अच्छा, इसके अलावा जो निचला जो आर्टिकल था रिगार्डिंग स्लेवरी, इसको तो मैं फुल कॉपी कट करके पेस्ट करूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी और इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे को लिखूँ। अब अगर आपको रीडिंग करते हुए कोई ऐसा आर्टिकल या एडिटोरियल मिला है जो जेंडर स्टडीज़ के रेलेवेंट है, तो उसको आपने सिर्फ जेंडर स्टडीज़ के ही रजिस्टर के एंड पे पेस्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे ना सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है बगैर कोई कैची लाइंस है उनको भी लिखना है। जैसे मुझे ज़रार खोरो के आर्टिकल में मिली थी कि इट्स ओके टू बॉम अदर कंट्रीज़ फॉर फ्रीडम, वाई इज़ इट रॉन्ग टू बॉम देन योर ओन कंट्री, तो इस लाइन को लिख लिया और साथ में ज़रार खोरो का नाम लिख लूँगी, और ये इजी लाइन है, कैची भी है, तो इसको भी हम पेपर में कोट कर सकेंगे। इसी तरह आपने बाकी जितने आपके आर्टिकल्स काम के थे उनको आपने पेस्ट कर लेना है। अब बात यह है कि अगर जो न्यू रीडर्स हैं जो न्यूज़पेपर में से अब पहली बार इस तरह के नोट्स बनाएंगे उनके लिए काम थोड़ा मुश्किल होगा, तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेश टाइम में इस काम को करना है। अगर आप मॉर्निंग में करना चाहते हैं तब कर लें, या अगर आप नाइट आउल हैं तो रात के टाइम कर लें। लेकिन वक्त के साथ जब आप इस काम के आदि हो जाएंगे, और पर्सनली मुझे तो एडिक्शन हो गई थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, बार बार जब मैं डेली पढ़ती थी तो एट द एंड मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता था, तो आपने क्या करना है, जब आप इस स्टेज पे आ जाएंगे जब आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा तब आपने फिर इसको फ्रेश टाइम में नहीं करना, फ्रेश टाइम में आपने अपने बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, और इस न्यूज़पेपर एक्टिविटी को आपने अपने लर्जर टाइम में करना है, जब आपका फ्री टाइम है, आप पढ़ने से तंग आ गए हैं, उस टाइम फिर आपने ये काम करना है जी। तो ये है मेरा 2018 का रजिस्टर फॉर न्यूज़पेपर, और ये सारा अखबार से लधा पधा हुआ है क्योंकि इसमें मेरी 6-7 महीनों की कार्रवाई मौजूद है। अब मैं आपके साथ एक दो टॉपिक इस रजिस्टर से शेयर करूंगी जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन जो थी वो सारी न्यूज़पेपर से मतलब एक्सट्रैक्ट की हुई है। ये जो पेजेस हैं ये US के अंडर टॉपिक में आते थे, वॉर ऑन टेरर पे आर्टिकल मिला है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, इसको मैंने पूरा कट पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा फैक्ट्स और रिपोर्ट्स को नहीं देखना बल्कि इसके साथ साथ कोटेशंस को भी निकालना है, ठीक। अब जैसे मुझे यहाँ पे याद है कि मैंने इमरान खान की कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं कि कैन मिस्टर ट्रंप नेम अनदर एलाई दैट गेव सच सेक्रीफाइस। अब ये आर्टिकल इनके कोई इंटरव्यू था या क्या था जो न्यूज़पेपर में आया था, तो उसको मैंने वहाँ से अल्फाज लिख लिए। ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं कि वी कंटिन्यू टू प्ले इन ब्लड, ठीक। अब ये कितने ईजी कोटेशन है, कितने आसान अल्फाज हैं, इसको आप याद करके अपने आर्गुमेंट में एज अ सपोर्टिंग डिटेल कोट करेंगे।
इसके अलावा आपने ज़्यादा जो फोकस करना है वो आर्टिकल्स के टाइटल्स पे भी करना है, जैसे ये है ना इन टू द अफगान लेबरिंथ, ठीक, ये अब एक अच्छा खासा कैची टाइटल था, इसको मैंने नोट डाउन कर लिया। अब जब मैं अफगानिस्तान पीस प्रोसेस पे कोई क्वेश्चन आएगा, कोई अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर ये हेडिंग वहाँ काम आएगी तो मैं इसको एज अ कैची हेडिंग वहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, ठीक। इसी तरह बाकी आपने आर्टिकल्स और इन्फॉर्मेशन जितनी है उसको नोट डाउन करना है। इसके अलावा हम एक और टॉपिक को भी देख लेते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक सिनेरियो इन पाकिस्तान। इसमें अभी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पर है, इसमें गूगल से कुछ नहीं लिया, नेट से कुछ नहीं लिया, ये सब और सब न्यूज़पेपर से है। अब यहाँ पे मुझे कोटेशन मिली थी कि यू कैन हैव एक्सट्रीम इनइक्वालिटी और यू कैन हैव डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट हैव बोथ, ठीक है, ये आपने लिख लिया। द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2018 के जो फाइनल वर्डिक्ट था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, और ये आप याद भी कर लेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह मतलब जितने भी इकोनॉमी से रिलेवेंट डेटा है, हाउसिंग क्राइसिस जितने टॉपिक्स पर, वो आप लिख लेंगे। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो आपका न्यूज़पेपर है जो मंडे के दिन आता है, जिसमें येलो कलर का एक पेज होता है, उसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। उसमें से कम 2 या 3 आर्टिकल्स लाजमी काम के होते हैं, और आपने इकोनॉमी का क्वेश्चन तो हर पेपर हर अटेम्प्ट में तैयार करके जाना है, ठीक है। वो चाहे पाकिस्तान अफेयर में भी आ सकता है, करंट अफेयर में भी वो क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको शेयर करूंगी एक और टॉपिक, दैट इज़ एजुकेशन, और इसमें आपको एससी के लिए बहुत मटेरियल मिल सकता है। अब जैसे ये है कोई डाटा था रिगार्डिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ जो पैरिटी है पाकिस्तान में, कि मतलब लड़कियां कम जाती हैं स्कूल एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, तो वो इन्फॉर्मेशन सारी नोट डाउन की हुई है, और क्वान्टिटी क्वालिटी की कोई बात है तो वो भी सारी चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे मैंने अपनी अटैम्प्ट के स्टार्ट में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पता चला कि अच्छा आर्टिकल 25A जो है वो एजुकेशन के बारे में है, तो उसको भी नोट डाउन कर लिया। अभी एक आर्टिकल है ऑल इन स्कूल्स, इसमें बहुत ज़्यादा सजेशंस थी कि कैसे हम अपने जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको स्कूल में लेकर आएंगे, तो उस पूरे आर्टिकल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी कि आपने अपने अलग रजिस्टर्स जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हैं वहाँ पे भी आपने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है। अब ये है जेंडर स्टडीज़ का रजिस्टर, अब जो पर्टिकुलर वीमेन के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं और एडिटोरियल्स हैं उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है कोई रिपोर्ट है तो उनको भी आपने उस जेंडर स्टडीज़ के पर्टिकुलर रजिस्टर के एंड पर नोट डाउन करना है। और जब आप जेंडर स्टडीज़ के अपने अलग से नोट्स बनाएंगे तो आपके ये आपकी उस रजिस्टर की बैक साइड पे आपके पास डेटा मौजूद होगा, और यहाँ से आपने रेलेवेंट डेटा को उधर इंसर्ट करना है। इसी तरह ये भी मेरा क्रिमिनोलॉजी का रजिस्टर है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर से मिल जाती है। अब जैसे ये है कि ओवर 150 ईयर्स ऑफ जुडिशियल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स गैदर इन प्री पार्टीशन, ये कुछ इस तरह था कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है जो डेटा है उसको हमने डिजिटलाइज करना है, और हमारे कोर्ट में जो जितने फाइल्स वगैरह हैं पेपर वर्क है उसको एंड कर देना चाहिए। तो एक सजेशन है जो क्रिमिनोलॉजी में आप अपने क्वेश्चन में दे सकते हैं। अच्छा, तो अब आपने ये करना है कि आपने अब डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। 1 या 2 हफ्ते आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी, और डेली आपने इस तरह इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते रहना है। 3-4 महीने बाद जब आपका रजिस्टर भर जाएगा तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम बताएंगे कि अब इस डेटा से हम अपने नोट्स किस तरह बनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।